गुड मॉर्निंग क्लास LKG। चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या समझेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी का सिलेबस समझने से पहले हम ये समझेंगे। देखिए पार्ट 18 में क्या हुआ था, हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। पार्ट 16 में क्या हुआ था, हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो पार्ट 17 से हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे, सबसे पहले पार्ट 17 में देखिए हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। देखिए बिना मात्रा से हिंदी ओरल, यानी हिंदी के सिलेबस में हम समझ लेते हैं। हिंदी ओरल में बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द याद करें, ठीक है। कविता, दिवाली, मछली, ठीक है। हिंदी रिटन में देख लेते हैं, या से ग्या तक लिखिए, 4 अक्षर जोड़कर लिखिए, 4 अक्षर वाले शब्द लिखिए, ठीक है। तो सभी बच्चे, सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, हम सिलेबस यहाँ रखते हैं। उसके बाद हम अपनी बुक ओपन करेंगे, शब्द मंथन, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए, या से ग्या तक, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हो चुका था माँ तक, ठीक है। माँ तक, ठीक है। अब हम या से ग्या यानी तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट, ठीक है। हम पार्ट शो करेंगे, पार्ट है हमारा 17, ठीक है। यहाँ डेट शो कर देंगे। अब सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे, या से यज्ञ, रा से रथ, वासे वक, सॉरी बेटा, लासे लड़का, वासे वक, शासे शलजम, सासे सटकौन, सासे सपेरा, हासे हल, हल नहीं बेटा, यहाँ हल नहीं है, यहाँ है हाथी, यहाँ क्या है, हाथी। तो हम यहाँ हाथी लिख देंगे, ठीक है। हाथी, हासे हाथी, छासे क्षत्रिय, त्रासे त्रिशूल, ठीक है। ज्ञासे ज्ञानी, शासे श्रामिक, अड़ासे रबड़, अड़ासे पढ़ना, ठीक है। ये कौन से हैं, ये अतिरिक्त वर्ण हैं, ये संयुक्त वर्ण व्यंजन है, ठीक है। तो देखिए हम दोबारा से हम रिविज़न करेंगे, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लड़का, वा से वक, शा से शलजम, सा से षटकोण, सा से सपेरा, हा से हाथी, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ग्या से ज्ञानी, शा से श्रामिक, अड़ा से रबड़, अड़ा से पढ़ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको रिवीजन करेंगे। तो यही पेज नंबर 15 पर देख लीजिए, मेरे साथ पढ़ेंगे सभी बच्चे, आओ दोहराएं, यानी कि इनको क्या करेंगे, हम दोहराएंगे। हमने शुरू PA1 से अब हम एनुअल तक दोहराएंगे, ठीक है। स्वर, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईक, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, रा से ऋषि, छोटे से एड़ी, बड़े से ऐरावत, छोटे उसे ओखली, बड़ी उसे औरत, छोटे अंक से अंगूर, बड़ा अंक खाली, ठीक है। ये कौन से शब्द हैं, ये स्वर वाले हैं, ठीक है। व्यंजन, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घर, अड़ा खाली, चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा, अया खाली, टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डमरू, डा से ढक्कन, अड़ा खाली, ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दबात, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू, मा से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लड़का, वा से वक, शा से शलजम, सा से षटकोण, सा से सपेरा, हा से हल, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ग्या से ज्ञानी, शा से श्रामिक, रा से रबड़, पास रड़ा से पढ़ना, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, सभी बच्चे इसी तरीके से पढ़ेंगे और इसे याद भी करेंगे, ठीक है। अब इसे बंद कर लीजिए, आप अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए, इसको रखते हैं हम, अपनी कॉपी ओपन करेंगे, ठीक है। ये आपकी देखिए हिंदी की कॉपी है, आप इसे ओपन कर लीजिए।
देखिए पार्ट 15, सॉरी बेटा पी ए टू क्या हुआ था, हमारा यहाँ कोर्स कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब हम पार्ट 17 से अपना एनुअल कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम यह लिखेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट, ठीक है। यहाँ हम पार्ट शो करेंगे पार्ट 17, यहाँ हम डेट शो कर देंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। या से ग्यारह तक लिखिए, ठीक है। वर्णमाला या से ज्ञातक लिखिए, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे या यक रा रत ला लड़का वावक शा शलजम, ठीक है। शा षष्टकोण सा सपेरा, ठीक है। हा हल छा क्षत्रिय त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे या से ज्ञा ज्ञानी तक, ठीक है। अब एक बार हम दोबारा से यहाँ लिखेंगे या यक रा रत ला लड़का वावक शा शलजम सा षट्कोण सा सपेरा हा हल छा क्षत्रिय त्र त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी, ठीक है। इसी तरीके से हम दोबारा से लिखेंगे पढ़ पढ़कर, ठीक है। हमने या से ज्ञा ज्ञानी तक लिखा, अब हम लिखेंगे आ से ज्ञा ज्ञानी तक, ठीक है। ये भी हमारे पार्ट 17 का वर्क है, यहाँ पर भी हम डेट शो करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे आ से ज्ञा ज्ञानी तक लिखिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे छोटे या से अनार बड़े या से आम छोटी से इमली बड़ी से ईख छोटे उसे उल्लू बड़े उसे ऊन रा से ऋषि छोटे से एड़ी बड़े से ऐनक छोटी उसे ओखली बड़ी उसे औरत छोटी अंग से अंगूर बड़ी अंग खाली का से कबूतर खा से खरगोश गा से गमला घा से घर अड़ा खाली चा से चम्मच छा से छाता जा से जग झा से झंडा अय्या खाली टा से टमाटर ठा से ठटेरा डा से डमरू डा से ढक्कन अड़ा खाली ता से तरबूज था से थर्मस दा से दवात धा से धनुष ना से नल पा से पतंग फा से फल बा से बकरी भा से भालू मा से मछली या यज्ञ, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे या से यज्ञ तक हमने इस पेज पर लिखा, हम इससे आगे लिखेंगे रा से रत ला से लड़का वाव से वक शा से शलजम सा से षट्कोण सा से सपेरा हा से हल छा से क्षत्रिय त्रा से त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, छोटे आ से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक हम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ आपको लिखवाया पार्ट 17 में मैंने आपको वर्णमाला या से ज्ञा तक आपको लिखवाई थी, यहाँ पर आपको वर्णमाला मैंने आ से ज्ञा तक लिखवाई है, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से यहाँ कॉपी पर वर्क कंप्लीट करेंगे, हम कॉपी क्लोज कर लेंगे आप अपनी, ठीक है। इसको रखते हैं हम, अब राइटिंग बुक ओपन कर लेंगे। तो देखिए आपकी ये राइटिंग बुक है अक्षर अनोखे, आप इसको ओपन कर लीजिए।
ठीक है। माँ तक देखिए हमने आपको वर्क कंप्लीट कराया था, ठीक है, पार्ट 16 में। पार्ट 17 में हम आपको पेज नंबर 41, 42, 43 एंड 44 वर्क कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम लिखेंगे सबसे पहले एनुअल कोर्स स्टार्ट, ठीक है। यहाँ हम पार्ट शो कर देंगे, पार्ट हमारा है 17, ठीक है। यहाँ हम डेट शो करेंगे, या से यज्ञ, ठीक है। या में कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप है या में, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 स्टेप। तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, मैं आपको पेज नंबर 41, 42, 43, 44 आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। देखिए ये भी हमारे पार्ट 17 का वर्क है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। यहाँ पर भी आप डेट शो करेंगे, यहाँ पर भी आप डेट शो करेंगे, पेज नंबर 43, ला ला से लट्टू, ठीक है। ये भी मैं आपको पार्ट 17 का वर्क है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। रा में देखिए कितने स्टेप होते हैं, रा में 3 स्टेप होते हैं और ला में 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। पेज नंबर 44, ठीक है, वा वा से वक, ठीक है। पार्ट 17, वा में कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये भी हमारे पार्ट 17 का वर्क है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। दिनांक यहाँ पर आपको क्या करनी है, आपको डेट शो करनी है यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था पेज नंबर आपको मैंने 41, 42, 43 एंड 44 आपको मैंने होमवर्क में दिया है। आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से हाथ फेरेंगे, वर्क कंप्लीट करें, आप इसे बंद कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कंप्लीट करिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।